मन की बात में मुल्क के किसानों से रूबरू हुए नरेंद्र मोदी। आज सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए किसानों से की बात। केजरीवाल ने महापौर को पैसे देने से किया इनकार, कहा केंद्र से मांगो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित। सांसद पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी को आरजेडी में शामिल करने के लिए लालू को लिखी चिट्ठी। मौलाना महमूद मदनी का बयान, मुसलमान की छवि खराब करने में मुसलमान जिम्मेदार। बीजेपी मैगजीन चिरावती ने अन्ना हजारे को बताया विदेशी एजेंट। नवी मुंबई और जबलपुर में चर्च पर हमला, 3 बाइक सवार ने नवी मुंबई के सेंट जॉर्ज कैथोलिक चर्च पर फेंके पत्थर। जबलपुर में चर्च के कैंपस में की गई तोड़फोड़। जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकियों ने सैन्य शिविर पर किया हमला। कठुआ के बाद शनिवार को जम्मू में था ये दूसरा आतंकवादी हमला। हाशिमपुरा कांड में प्रदेश सरकार और प्रशासन ने पीएसी के जवानों को बचाया। बिहार में नकल कराने की कोशिश कर रहे पेरेंट्स पर लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। कोल ब्लॉक नीलामी में जिंदल और बालको को झटका, दोनों की बोली खारिज। सेंसेक्स निफ्टी में 1% से अधिक गिरावट। जेआरडी टाटा को समर्पित एयर एशिया का विमान। 999 में हवाई यात्रा कराएगी गो एयर, बुकिंग आज से शुरू। अफगानिस्तान के साबिक वजीर खारजा आरडी संपाटा ने दिया बयान। बयान में कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान से चल रही है सीधी घुसपैठ। नवाज शरीफ का बयान, आतंकवाद से निपटने में खप जाता है वक्त। यमन में मस्जिदों पर फिदाइन अटैक, 137 की मौत। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को दी परमाणु हमले की धमकी। वर्ल्ड कप 2015 के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम से हारने के बाद अलग अलग टुकड़ों में घर पहुंचेगी पाकिस्तानी टीम। आदित्य कपूर ने श्रद्धा के साथ डेटिंग खबरों को बताया बकवास। रॉक स्टार के सिंगर हर्षदीप कौर अपने पुराने दोस्त मनकीत सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधी। रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले की शूटिंग हुई शुरू।